नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली में एक एंड्रोलॉजिस्ट और पुरुष रोग विशेषज्ञ। आज हम जो बात करेंगे वो टॉपिक है पी शॉर्ट फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर आपका लिंग खड़ा नहीं होता है या आपके लिंग के अंदर इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, अगर आप सेक्स पूरा नहीं कर पाते हैं, लिंग में कमजोरी महसूस करते हैं, आपको लगता है कि लिंग छोटा हो गया है, लिंग शरीर में घुस गया है, लिंग पतला है, या लिंग आप जब सेक्स करने जाते हैं तो पूरे जोश या पूरी टाइटनेस नहीं महसूस करते हैं या जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये सब इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अर्ली साइंस है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी भी उम्र में किसी भी मरीज को किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, पर मोस्ट कॉमनली इरेक्टाइल डिसफंक्शन ज़्यादा एज में, बढ़ती एज में, एक्सरसाइज ना करने पे, वजन बढ़ने पे, डायबिटीज़ के कारण या कई और कारण हैं जिस कारण से होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पिछले कुछ सालों में कई रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट्स आए हैं, जैसे मेडिसिन, टैबलेट्स, इंजेक्शंस, सर्जरी और बहुत कुछ। पर आज मैं जो एक टेक्निक के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ वो है पी शॉट। पी शॉट एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक है, एक नई टेक्निक है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लिंग के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए, लिंग के अंदर पावर बढ़ाने के लिए एक थेरेपी है। पी शॉट अपने आप में तो काफ़ी सक्सेसफुल है ही, पर पी शॉट के कई फायदे हैं। तो पी शॉट बेसिकली होता क्या है? बेसिकली हमने जो पाया है, रिसर्च ने पाया है कि हमारे जो लिंग है, लिंग के अंदर ब्लड होता है, ब्लड मतलब खून। तो खून को लेके जाने वाली बहुत सारी नसें होती है और ये नसों के अंदर जब आप सेक्स करना चाहते हैं, जब उत्तेजना होती है, तो नसों में खून भरता है और खून बढ़ने के कारण आपका लिंग जो है तन जाता है। अगर ये नसों में खराबी आ जाए, खराबी कई तरह की होती है, हो सकता है कि नसें कमज़ोर हो जाए, हो सकता है कि नसों के अंदर प्लाक, प्लाक मतलब कि रुकावट, रुकावट मतलब कि इनके अंदर डॉट्स बनने से रुकावट पैदा हो जाए, या इन नसों के अंदर स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाए तो पेनिस के अंदर इरेक्शन पूरा हो नहीं पाता। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूजली बिल्कुल लिंग खड़ा ना हो वो बहुत लेट स्टेज होती है। नॉर्मली अर्ली स्टेज में मरीजों के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका लिंग बहुत टाइट नहीं होता, हल्का टाइटनेस कम होना, या पूरा जो टाइट होता था वो नहीं होना, या पोजीशन चेंज करना, जैसे अगर औरत ऊपर है या मरीज उल्टा है तो उसका लिंग जल्दी बैठ जाता है, या फिर लिंग के अंदर जो बाहर जो नसें दिखती है वो नसें चिपक गई हो या लिंग छोटा हो गया। तो ये सारे अर्ली साइंस हैं, मतलब कि दिक्कत शुरू हो चुकी है। अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो इसके अंदर दिक्कत आगे बढ़ेगी। तो इन पेशेंट्स में, मतलब उन पेशेंट में जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन पूरी तरह नहीं हुआ है और ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, इन लोगों में पी शॉट का बहुत अच्छा रोल है। अब पी शॉट होता क्या है? पी शॉट बेसिकली पीआरपी थेरेपी होती है। इसमें क्या करते हैं कि इसके अंदर आपका खून लेते हैं, उस खून को फिल्टर कर उस खून में कुछ तत्व होते हैं। हर व्यक्ति के खून के अंदर ताकत के तत्व होते हैं जिनको ग्रोथ हार्मोन या जो शरीर में ग्रोथ करने के काम आते हैं। तो हम उस खून को लेते हैं, आप ही का खून लेते हैं, उस खून को लेते हैं, उस खून को फिल्टर करते हैं और उस खून को फिल्टर कर हम पीला खून बनाते हैं। पीला खून जो जिसके अंदर सारा ब्लड सेल, सारा गंदा सामान निकाल देते हैं, सिर्फ ग्रोथ हार्मोन या सिर्फ ताकतवर सब्सटेंस बचता है। और उस खून को, तो अगर हम आपसे सपोज 100 ml खून लेते हैं, कोई घबराइए मत, आपके शरीर में 5.5 liter खून है, उसमें से हम 100 ml खून लेते हैं तो 100 ml खून में से हम अगर उसको फिल्टर करते हैं तो हमको अराउंड 10-15 ml PRP या 10-15 ml ताकत का पीला खून मिलता है। इस पीले खून को हम आपके पेनिस में फिर से इंजेक्शन करते हैं। अगर इस खून को आपके पेनिस में लगाया जाए तो इसको पी शॉट बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि ये पेनिस के अंदर जाकर जो पुरानी नसें हैं, जो नसें खराब हो गई है, इन नसों को फिर से ज़िंदा करता है, इन नसों को फिर से ग्रोथ करता है। पर सिर्फ पी शॉट अपने आप में सब कुछ नहीं है। पी शॉट के साथ साथ एक्सरसाइज, वज़न कम करना, ख़राब आदतें छोड़ना, दवाइयाँ, लिंग की मसाज, लिंग की एक्सरसाइज, प्लस पी शॉट, और उसके अलावा लीनियर शॉकवेव या रेनोवा या ED 1000, इन टोटल ट्रीटमेंट्स को मिलाकर हम कई सारे मरीजों में उनकी वापस जो पहले जवानी में जो इरेक्शन था उतना इरेक्शन, उतना हार्डनेस वापस ला सकते हैं। पी शॉट का एक फ़ायदा और है कि जब पी शॉट थेरेपी के साथ पिनाइल एक्सरसाइज और पिनाइल रिहैबिलिटेशन हम करते हैं तो पेनिस में इरेक्शन के साथ साथ पेनिस का साइज, पेनिस की मोटाई और पेनिस की लंबाई, उसमें भी काफ़ी हद तक मरीजों को फ़ायदा मिलता है। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और आपको बहुत सीवियर केस नहीं है, पर हाँ अभी शुरुआती दौर में है और आपको फ़र्क महसूस हो रहा है, तो आपको 1 या 2 सेशन पी शॉट प्लस पिनाइल रिहैबिलिटेशन से काफ़ी फ़ायदा होगा। PRP थेरेपी या पी शॉट कोई नॉन साइंटिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये साइंटिफिक ट्रीटमेंट है और वर्ल्ड ओवर लिटरेचर, डॉक्टरों में, साइंटिफिक ग्रुप्स में, सेशंस में और कॉन्फ्रेंसेस में इसके बारे में बहुत चर्चा है।
अभी हाल फिलहाल यूरोप के यूरोलॉजिस्ट ने इस पी शॉट को एक रिकमेंडेशन दिया है कि इसको मरीजों में ट्राई कर सकते हैं। अगर आप में से किसी ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या किसी के बाल कम है तो आपने जाना ही होगा कि पीआरपी थेरेपी बालों को ग्रो करने में बहुत सक्सेसफुल है और सब डॉक्टर्स आजकल पीआरपी थेरेपी से बाल ग्रो करा रहे हैं। तो अगर पीआरपी थेरेपी से बाल ग्रो हो सकते हैं तो पीआरपी थेरेपी से लिंग के अंदर जान भी वापस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स है और आप पी शॉट के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए उस लिंक पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं आपके डाउट्स सारे कमेंट्स में सॉल्व करूँगा, आपको मैं आपके डाउट्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली मिलना है तो मेरे क्लिनिक पे आके मिल सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और चाहे तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। पी शॉट थेरेपी मेरे पास मेरे सेंटर पर अवेलेबल है और काफ़ी मरीजों को काफ़ी फ़ायदा है। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। थैंक यू।